मॉर्निंग छात्रों कैसे हो आप छात्रों और छात्राओं भी हैं छात्राओं को पीछे मत समझिए छात्राएं आजकल छात्रों से आगे हैं कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी वन जीरो वन तो जल्दी से आ जाओ फटाफट से आ जाओ और एक बार वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो एंड देन विल स्टार्ट द क्लास देखो आज की क्लास शुरू करते हैं आज है एक मार्च दो मतलब नया महीना स्टार्ट हो गया है तो एक मार्च 2021 के करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ सो लेट स्टार्ट द क्लास जल्दी से देखते हैं क्या क्या है आज की क्लास में खास बात अम्बेश चित्रेश बहुत तेजी से जा रहा आज तो पढ़ा भी नहीं जा रहा रौनक जर्नेल चौधरी खुशबू मनु वंदना साक्षी सरिता पंडित अनु स्वागत है आप सभी लोगों का यार तृप्ति नेहा दीपांशी भावना गायत्री राजू सलोनी <coughs> स्वागत है यार आप सभी का कैसे हो यार कैसे हो मौसम चेंज हो रहा है ठीक है और चेंज इस मौसम में थोड़ा बच के रहो है ना मैं तो पीछे कई दिनों से लुट लुटी ले रहा हूँ कई दिनों से समझ रहे हो आप ऐसे ही चल रहा है दिमाग यार इतना भारी रहता है पता नहीं कितने 600-700 किलो वजन रख रखा हो किसी ने इतना भारी रहता है सर और बॉडी पूरे दिन ऐसे ही टूटती रहती है पेन करती है बहुत ज़्यादा सो थोड़ा बच के रहना ठंड में ठंड नहीं लगती लेकिन जैसे सीजन चेंज होता है तो कई लोग होते हैं ऐसे मेरे को जब सीजन चेंज होता है ना तो एक बार तो होता ही होता है अब जैसे सीजन चेंज फिर से होगा मतलब आगे जाके जब गर्मी और सर्दी आएगी तब भी मैं एक बार बीमार आऊँगा मतलब होली और दिवाली इन अदर वर्ड्स दो टाइम ऐसे होते हैं जो मेरे पे बड़े भारी आते हैं ठीक है गुड मॉर्निंग यार गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग चलो लेट स्टार्ट द क्लास जल्दी से क्लास को कर देते हैं शुरू मुझे उम्मीद है आप लोग बराबर देखते रहेंगे लाइक और शेयर का मामला मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दोस्तों अभी अपने यार ये चार डिफरेंट चैनल्स हैं यूपीएससी सीएससी दो के लिए इन चारों चैनल को मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार फटाफट क्या कर लीजिएगा दोस्तों इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जोग्राफी वन 101, 101 जीरो हमने बदल के कर दिया यूपीएससी वन जीरो वन आप कई बच्चे वन जीरो वन का मतलब पूछते हैं मतलब वन एंड ओनली वन मतलब इस चैनल के बाद आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखो ये अभी के लिए हमने इसको बंद कर दिया है ठीक है राइट ना अभी के लिए इस चैनल को हमने बंद कर दिया है और एनसीआर टी वन आपका चैनल है 101 जो है इस पर भी हम क्लासेस जो है वो आपकी जो है अपलोड करेंगे तो ये चारों चैनल्स हैं यार सब्सक्राइब कर लो इनको बाकी मेरी लाइव क्लास जितनी भी मेरी लाइव क्लास होंगी सारी मेरी लाइव क्लास जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे होंगी किस पर दोस्तों आपका मैप 101 जिसको हमने डी ब्रांड कर दिया यूपीएससी 101 के नाम से बाकी मैं आपके साथ अनकेडमी ऐप पर भी हूं मैं यहाँ पे क्विज भी कराऊंगा आपको मैं यहां पर स्पेशल क्लासेस करता हूं आपकी मैं यहाँ पर प्लस कोर्स आपके स्टार्ट करा रहा हूं ठीक है तो आप इन सब के लिए ज्वाइन कर लीजिए मेरे साथ मेरा कोड है सुमित टेन सुमित टेन से आपको टेन परसेंट तो डिस्काउंट मिलेगा अभी कल तक मिल रहा था भाई आज का पता नहीं आज शायद चेंज हो गया हो तो आई डोंट नो बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यही था कि दस से घट के आज ये पांच हो जाएगा ठीक है बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता प्लस so, जब आप सुमित टेन यूज करते हो दैट मीन आपको मैं गाइडेंस दूंगा ठीक है आपकी इस पूरी प्रोसेस में मैं खुद आपको क्या करूंगा दोस्तों गाइड करूंगा थ्रू आउट द प्रोसेस ठीक है वन बाय वन कैसे आपको पढ़ना है कैसे स्टडी करनी है वो पूरी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है आपके साथ मैं खुद बताऊंगा इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल कंसर्न देखो यार आजकल क्या है ना आजकल दक्षिण भारत के अंदर अगर आप जाओगे दक्षिण भारत के अंदर सदर्न स्टेट्स के अंदर तो वहां पर एक कंसर्न आ गया है ठीक है एक चिंता आ गई है एक तो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ठीक है आपको पता है पेट्रोल जो है सेंचुरी मार गया कई कई जगहों पर तो एक तो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और कई लोग एक और बात से चिंतित है और वो बात कौन सी है दोस्तों उनको चिंता की दूसरी बात एक और भी सता रही है वो क्या कि उनको लग रहा है कि पेट्रोल के अंदर आजकल पानी मिलाया जा रहा है हाँ हाँ सही सुना आपने उनको लग रहा है पेट्रोल के अंदर में पानी मिलाया जा रहा है बट क्या ये बात सच सच है क्या क्या सही बात सही में पेट्रोल के अंदर पानी मिलाया जा रहा है क्या नहीं यार पेट्रोल के अंदर पानी नहीं मिलाया जा रहा आजकल अगर आप देखोगे तो कई कई सारे ऐसे पेट्रोल पंप है जो अपने वहां पे एक होल्डिंग लगाने लग गए हैं ठीक है एक वो कैनोपी लगाने लग गए हैं मतलब बताने के लिए कि भाई जो आपको पेट्रोल दिया जा रहा है उसके अंदर में इथेनॉल ब्लेंड किया गया है इथेनॉल जो होता है वो किससे मिल बनता है आपका दोस्तों सुगर केन से मिलता है उसमें हाई ऑक्टेन होता है और हाई ऑक्टेन से क्या होता है दोस्तों उसमें ऑक्टेन मतलब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है पेट्रोल से भी ज्यादा ऑक्टेन होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा देखो किसी भी फ्यूल को बर्न होने के लिए जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है जब हम ये इथेनॉल जो है पेट्रोल में मिला देते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है और वो कंप्लीट बर्न होता है वो फ्यूल जो होता है वो क्या होता है दोस्तों उसका कंप्लीट कंबर्शन होता है तो इसीलिए आजकल पेट्रोल पंप वाले क्या कर रहे हैं अपने वहां बाहर होर्डिंग रख रहे हैं ताकि कंज्यूमर को कस्टमर को बताया जा सके भाई सुनो आप जो यहां पे आ रहे हो आप जो यहां से तेल भरवा रहे हो ये हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हमारे तेल के अंदर में इथेनॉल ब्लेंड है

सुपर बाइक जो होती है ना ठीक है उनके अंदर में भी मिलाया जाता है पहले था, था हाई ऑक्टेन या सुपर बाइक के अंदर तो हाई ऑक्टेन फ्यूल ही डलवाया जाता था पहले ठीक है पहले हमें ऐसी धारणा थी कि भाई जो सुपर बाइक होती है इसमें हाई ऑक्टेन मैंने खुद काफी टाइम तक हाई ऑक्टेन फ्यूल डलवाया सो so, हाई ऑक्टेन के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है अब जब ज्यादा ऑक्सीजन फ्यूल के अंदर आएगी वो कंप्लीट बर्न होगा और जब कंप्लीट बर्न होगा तो उससे क्या होगा यार जो एमिशन है कार्बन एमिशन है वो क्या होगा कम क्योंकि जो इनकम्प्लीट कंबर्शन है उसे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो होती है, होती है हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज तो कहीं ना कहीं वहां पर ये अपने को क्या करता है दोस्तों फायदा देता है है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ठीक लेकिन अब मैंने बताया लोग यहां पर चिंतित है लोगों को चिंता और ये लोगों को कंसर्न है लोग क्या सोच रहे हैं कि यार इस इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के अंदर में मुख्यतः बेसिकली क्या है वो सोच रहे हैं पानी मिला रखा है ये इथेनॉल की जगह क्या मिला रखा है उन्होंने पानी ऐसा वो सोच रहे पॉइंट नॉट अरे समझ पा रहे हो सभी सर खराब पेट्रोल देते हैं एक वीक भी नहीं चलता <laughs> जितना चलाओगे उतना चलेगा यार खराब पेट्रोल क्या होता है ठीक है पेट्रोल खराब नहीं होता उसमें उसमें ऑक्टेन ऑक्टेन मिलाया जा रहा है ठीक है ठीक तो वो अपनी फैसिलिटीज के अंदर में ले जाके पेट्रोल के अंदर में ये और ये तो है ही यार ऑक्टेन ब्लेंडिंग इसकी इथेनॉल ब्लेंडिंग तो होनी है अरे सरकार ने अभी ई ट्वेंटी मिशन नहीं चलाया था थोड़े दिन पहले याद हो ट्वेंटी का मतलब क्या है उन्होंने तो कहा था कि पेट्रोल में ट्वेंटी परसेंट मिलाओ तेल के अंदर पेट्रोल के अंदर में ट्वेंटी परसेंट क्या मिलाओ बीस परसेंट क्या मिलाओ इथेनॉल मिलाओ समझ रहे हो बीस परसेंट इथेनॉल मिलाओ और बीस परसेंट इथेनॉल मिला के बेचो अब ये इथेनॉल जो होता है ये तो अपने इधर शुगर केन जो होता है बायोमास उसी से मिल जाता है मोदी साहब कह रहे हैं कि बाहर से तेल महंगा हो गया तो भाई हमने भी तेल के दाम बढ़ा दिए अरे मोदी साहब बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है मोदी साहब कह रहे हैं कि ये गलती भी कांग्रेस की है पिछले सत्तर साल में उसने देश के अंदर में कहीं तेल नहीं खोजा जब देश में तेल है ही नहीं कुछ कुछ जगह पर है डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो तब करोगे ना जब देश के अंदर में हमारे देश के अंदर में तेल है ही नहीं ठीक है अब ये भी कांग्रेस की गलती लग रही है मुझे तो कि भाई देश के अंदर में उसने मतलब जिस प्रकार से गल्फ कंट्रियों में तेल है ना नीचे सत्तर साल में ये भी की गलती है ठीक है वैट सारी सरकारें वसूलने लगी है एक एक लीटर पेट्रोल के ऊपर पचास पचास साठ साठ रुपए हमारी जेब से टैक्स का पैसा जा रहा है और आप मतलब एक दूसरे को दोषारोपण चल रहा है चलो ठीक है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है भगवान जाने ठीक है बट मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों इथेनॉल ब्लैंडिंग मतलब अभी तो सरकार कह रही है ट्वेंटी परसेंट तक की आप ब्लैंड कर सकते हो इससे फायदे होंगे होंगे फायदे दो पहली बात तो जो 20 ही पेट्रोल बच रहा है अन्यथा क्या होता बाहर से वो बीस परसेंट पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है लेकिन ये बीस परसेंट जो इथेनॉल है ये तो बायोमास से बनता है इंडिया के अंदर में हम जुगाड़ कर लेंगे इसका और भारत के अंदर ही बना के इसको हम क्या कर देंगे तेल के अंदर मिला देंगे तो पहला बड़ा फायदा ये है कि हमारा जो इंपोर्ट है उसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ दिस बायोमास ठीक है तो फॉरन एक्सचेंज जो है हमारा वो बचेगा दूसरा भैया ये जो आपका होता है इथेनॉल इसके अंदर में हाई ऑक्टेन वैल्यू होती है ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है इसकी वजह से कंप्लीट कंबर्शन होता है ये फ्यूल का जो कंबर्शन है वो कंप्लीट होता है पूर्ण रूप से जलता है और जब कंप्लीट कंबर्शन होता है तो उससे फायदा ये होता है कि एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो भी आपका डिक्रीज हो जाता है ये दो बातें इंपॉर्टेंट है याद रखना जीएस पेपर तीन से रिलेटेड रहेगा आपका ये साथ साथ आपका एनवायरमेंट और इकोनॉमी दोनों से रिलेटेड रहेगी बात तो अभी हाल ही के अंदर में क्या हुआ है रिसेंटली जो फ्यूल आउटलेट्स है ना उन्होंने अपने बैनर लगाने स्टार्ट कर दिए पेट्रोल पंप के बाहर ना अब वो बैनर लगाते हैं या जो वो पेट्रोल सेल करते हैं ना तो उसके ऊपर जो पर्ची देते हैं ना उसके ऊपर लिखा होता है कि भैया आपके पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला हुआ है ठीक है और वो मुख्यतः आपको गन्ने से मिलता है जो इथेनॉल निकाला जाता है वो गन्ने से मिलता है तो याद रखना पानी नहीं मिलाया उसके अंदर वो इथेनॉल है सम आर इवन प्रिंटिंग ऑन देयर बिल ठीक है दैट द पेट्रोल हैज बीन ब्लेंडेड विद विदेन परसेंट इथेनॉल अभी बोल रहे हम 10 परसेंट इथेनॉल बट है नहीं 10 प्रतिशत हम मिला नहीं पा रहे अभी तक हमने इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं दोस्तों दिस ब्लेंडिंग इज डन बाय द ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हमारी ओ एमसीज होती हैं ठीक है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी होती है हमारी जैसे इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम कह रहे कि वो अपने टर्मिनल में ले जाके ये क्या करती हैं दोस्तों वो ले जाके वहां पर ये पेट्रोल के अंदर में जो इथेनॉल है वो ऐड करती है ब्लेंड करती है देर वाटर इन द पेट्रोल स्पेशली डाउन साउथ ऑफ द स्टेट तो अभी मुख्यतः क्या हुआ है दक्षिण भारत के अंदर में बहुत सारे वहीकल ओनर है वाहनों के मालिक है वो इस बात पे सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार तुमने पानी मिला रखा है पेट्रोल के अंदर तो वो पानी नहीं है वास्तव में वो क्या है दोस्तों इथेनॉल है अब कहोगे सर अब उनको समझाने लग जाए हम मान लो कल को आप ही को समझाने समझाना पड़ जाए आप कहोगे इथेनॉल है आप कहोगे सर इथेनॉल क्या है तो इथेनॉल कुछ नहीं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया ये कार्बोनिक योगिक यौगिक है यौगिक कार्बोनिक यौगिक है जो बायोमास से उत्पन्न होता है बायोमास का मतलब क्या होता है आपका आपको पता है बायो मतलब पेड़ पौधों से आपका प्राप्त होता है मुख्यतः हम किससे कह रहे हैं शुगर केन से प्राप्त करते थे हम इसको

इट ज हाईर ऑक्टेन नंबर इसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है गैसोलीन जो होता है पेट्रोल वेट्रोलिन से भी हाई नंबर होता है इसीलिए इसी जो पे, पेट्रोल का जब आप देखो इसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है तो जब आप इसको पेट्रोल में मिलाते हो तो पेट्रोल का भी जो ऑक्टेन नंबर है वो बढ़ जाता है अब जब पे, पेट्रोल का भी ऑक्टेन uh, नंबर uh, बढ़ जाएगा तो क्या होगा इथेनॉल एज इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर इन इट अगर हम बात करें ऑक्टेन संख्या में सुधार हो जाता है इथेनॉल में पानी की मात्रा नगण्य होती है अब ये इथेनॉल है पानी नहीं है आप समझ रहे हो क्या बात है पानी नहीं मिल रहा दोस्तों इथेनॉल मिलाया जा रहा है और इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो बायोमास से हमें मिलता है बायो फ्यूल भी हम इसको बोल सकते हैं इसके ये बेवरेजेस के अंदर में भी होता है इसमें ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है इसलिए जब आप इसको पेट्रोल में मिलाते हो तो पेट्रोल का भी ऑक्टेन नंबर जो है वो बढ़ जाता है और इथेनॉल के अंदर में बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में पानी होता है पानी नहीं होता ठीक है ये पानी नहीं होता इट्स इफेक्ट इसके सर प्रभाव क्या होंगे साइड इफेक्ट देखो इसका कोई प्रभाव नहीं होता है ना इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता बल्कि फायदा ही करता है एक तो तेल बचता है अपना ठीक है इंपोर्ट नहीं करना पड़ता दूसरा इसके अंदर में ऑक्सीजन होती है ठीक है इथेनॉल के अंदर क्या होती है ऑक्सीजन होती है जब आप इसको मिलाते हो ना तो इससे क्या होता है कंप्लीट कंबरशन हो जाता है जो ऑक्सीजन होती है ना वो हेल्प करती है कि जो पेट्रोल है वो पूरी तरीके से बर्न हो जाए तो कंप्लीट कंबर्शन होता है वो जो तेल होता है वो पूरी तरीके से जल जाता है उसके रेजिडुअल पार्ट इतने नहीं बचते ठीक है हार्मफुल गैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी इनकम्प्लीट कंबर्शन होता है आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनती तो ऐसी ग्रीन हाउस गैस नहीं बन पाती इससे ठीक है एमिशन क्या होता है आपका लोअर रहता है वॉट इज द परसेंटेज वट इज द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल विच इज इन द पेट्रोल कितना मिलाया जाता है तो देखो अप्रैल 2020 से जनवरी 2020 तक ये जो ब्लेंडिंग परसेंटेज तमिलनाडु में चल रही थी साउथ स्टेट की बात ही कर रहा हूं मैं तो तमिलनाडु में जो ब्लेंडिंग चल रही थी वो एक पॉइंट इक्यानवे परसेंट एक पर लीटर मतलब एक लीटर में लगभग वन पॉइंट नाइन वन परसेंट जो है उसमें ब्लेंड था क्या आपका इथेनॉल ठीक है मतलब एक लीटर में देखोगे आप वन तो पॉइंट नाइन वन परसेंट यानी कि लगभग दो परसेंट मान लो लेकिन हमारी जो परमिसेबल लिमिट है वो कितनी है टेन परसेंट लेकिन फिर भी दो ही परसेंट मिलाया जा रहा है दस परसेंट हुआ तो आप पता नहीं क्या कहोगे इंक्रीज टू द सिक्स पॉइंट सेवन थ्री परसेंट इन जनवरी दो हजार इक्कीस अब जनवरी दो हजार इक्कीस में हमने इसको बढ़ा दिया है लगभग लगभग हमने सिक्स पॉइंट सेवन थ्री परसेंट जो है कर दिया है द टारगेट ऑफ टेन परसेंट टारगेट तो हमने ट्वेंटी परसेंट रख दिया है लेकिन हम दस परसेंट के टारगेट को अभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं वेयर एंड हाउ द इथेनॉल इज ब्लेंडेड तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों बेसिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपनी फैसिलिटीज के अंदर ले जाके इसमें इथेनॉल ब्लेंड करती है जैसे ऑयल मार्केटिंग ऑल ऑयल इंडिया इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन ब्लेंड्स द इथेनॉल एट एट दिस्ट टर्मिनल इन तिरुची कोयम्बटूर सेलम मदुरई तो आपकी ये जो ऑयल इंडियन ऑयल वहां ले जाके इसमें मिक्स करती है इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की बात करूं मैं आपका तो ये भी अपना चेन्नई वाले टर्मिनल जो है है उसके अंदर में इसको में, ले जाके मिक्स करती है। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन जो है वो भी अपने चेन्नई और जो करूर का टर्मिनल है वहां पर ले जाके इसको क्या करती है दोस्तों ब्लेंड करती है रीजन फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग सर क्यों मिला रहे हैं रीजन क्या है इथेनॉल सर्मिक्स के कारण क्या है दोस्तों एज द इथेनॉल मॉलिक्यूल भैया तो एवरेज भी अच्छी आएगी मतलब <coughs> आपका वाहन उसी तेल में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा माइलेज आपको देगा साथ साथ में एनवायरमेंट के अंदर में एमिशन भी क्या होंगे कम होंगे द रिन्यूएबल इथेनॉल कॉन्टेंट ंडस्ट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अट रिडक्शन इन द एमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एक रिन्यूएबल है इथेनॉल ऐसा नहीं है कि आप एक बार बना लो दोबारा नहीं बना सकते ठीक है यहां पर दोबारा से भी इसको क्या कर सकते हो आप बना सकते हो ये आपका क्या है दोस्तों इसको बार बार आप बना सकते हो ये रिन्यूएबल है ना क्योंकि किसका किससे मिलता है बेसिकली इट इज अय प्रोडक्ट ऑफ सुगर इंडस्ट्री सुगर इंडस्ट्री से मिलता है तो आप बार बार बना सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझ में आई बात दोस्तों पूरा टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया अरे देखो अगर ये चैट बॉक्स में तुमने बात की तो मैं अभी ब्लॉक कर दूंगा उठा के ठीक है यहां बीमारी में तुम पढ़ाने लग रहे हो तुम बकवास कर रहे हो यार पढ़ाई नहीं कर सकते है भाई ये पता नहीं एक ही लड़का है, लड़का एक है, लड़की है, लड़का ही होगा ये ये उल्टे पुल्टे नाम लिख लेता है कमला हैरिस फलाना हैरिस जिगड़ा हैरिस मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको मैं सही बता रहा हूं अगर आपकी बार मुझे दिखा दो पढ़ो और पढ़ने दो यहां पे सीधी बात बता रहा हूं मैं कभी कभी होता है यार मजाक तुम तो सारे ही टाइम पे लगे रहते हो यार अरे विकास अभी भी मिक्स किया जाता था बट वो लिमिट जो है वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं ठीक है वो लिमिट जो है ना वो हम अचीव नहीं कर पा रहे ठीक है और उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी नहीं हो पा रहा होगा इथेनॉल जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनकी इतनी फैसिलिटीज़ इतनी कैपेबिलिटीज नहीं बन पा रही होंगी कि वो क्या कर पाए वो इसको लागू कर पाए ऐसा नहीं है कि अभी हम नहीं कर रहे अभी भी कर रहे हैं बट जो फैसिलिटीज हैं हमारे पास वो उतनी नहीं है अभी कि हम इतना मिक्स इत, इस लेवल तक अचानक से जा पाए ठीक है सिंपल सी बात है पढ़ाई करो अगर मैंने चैट बॉक्स में इधर उधर की बात देखी मैं सही बता रहा हूं मैं ब्लॉक कर दूंगा कभी कभी होता है यार मजाक चलता है तुम तो सारे ही टाइम लग जाते हो यार कुछ कुछ करने इधर एक नाम लिख लेते हैं एक वे जॉन किन चुन पुन कैमला हैरिस बताओ ये उल्टे सीधे नाम लिख लिख के आ जाते हो तुम डोनाल्ड ट्रंप बराक ओबामा क्या साबित होता है इससे ऑफलाइन क्लास होती ना तो मैं बहुत तगड़ा एग्जाम्पल देता तुम्हें तो इतना तगड़ा एग्जाम्पल तुम जिंदगी में ये नाम दोबारा नहीं लेते लेकिन पता है क्या होता है ये ऑनलाइन क्लास है अब बोल नहीं सकते हम भी यहाँ पे ठीक है ऊपर से भाई कंपनी की रेपुटेशन का ध्यान रखना पड़ता हमें या तो चैनल भी मेरा होता ना इतना झाड़ता अगर झाड़ता नहीं मैं मैं भी ऐसा क्या ऐसा कुछ कह देता तुम जिंदगी में इसको कभी यूज नहीं करते ठीक है।, है लेकिन पढ़ाई करो ठीक है सब चीज चलती है मैं मान सकता हूं ये तुम्हारी उम्र है वो पढ़ा किया करो यार कोई मना ही नहीं है हंसी मजाक खूब किया करो खूब किया करो पर मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ने के टाइम पे पढ़ लिया करो ठीक है तुम तो सारे ही टाइम पे लग जाते हो यार अच्छा आप सुनो रिलेटेड सर्च में क्या करोगे रिलेटेड सर्च के अंदर ठीक है आप देखो सारे बच्चे एक तो लाइक करो वीडियो को शेयर करो जल्दी से एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम है ना साथ साथ में अभी थोड़े दिन पहले प्रोग्राम आया था वो क्या था ठीक है? E20 program, E20 हुई थी. उसके बाद जीवन योजना इसमें दे दिया है ठीक है मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है जब एग्जाम आएगा तो मैं ऐसे ढोल बजाने नहीं आऊंगा कि मैंने बताया था और आ गया देखो पेपर में ठीक है अपनी आदत नहीं है लेकिन हाँ ये चीज जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है सो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम ई प्रधानमंत्री जीवन योजना और नेशनल बायोफील पॉलिसी दो ठीक है समझ पा रहे हो सारे बच्चे इसको ये सारी चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको इस पर सर्च करनी है ठीक है मार्क का समय आपको कमेला हैरिस की कसम है आपको सभी को ठीक है कमेला हैरिस की कसम है आपको अगर आपने इन पे काम नहीं किया ये चार टॉपिक दे रहा हूं मैं आपको इन पे काम करना आपको ठीक है में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये इथेनॉल ब्लैंडेड पेट्रोल क्या इथेनॉल होता क्या है इसके साथ जुड़ी हुई चिंताएं क्या है ठीक है कितने परसेंट आप इसमें मिला सकते हो टारगेट क्या है हमारा रीजन क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग के हम इसमें क्यों मिलाते हैं तो ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है ठीक है मेंस पे आ जाते हैं दोस्तों व्हाट डू यू नो अबाउट द इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड हाउ सस्टेनेबल इट इज एक्सप्लेन मैं आपसे पूछ रहा हूं इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है आप मुझे बताओ कितना आप जानते हो इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में कितना आप जानते हो कितनी नॉलेज है आपकी और आपको क्या लगता है अपने विचार दो मुझे आपको क्या लगता है कितना सस्टेनेबल है यार ये मतलब कितना टाइम तक ये चल सकता है ऐसे इथेनॉल मिला मिला के तुम बेच रहे हो कस्टमरों को चिपका रहे हो बताओ पहले पेट्रोल लंबा चलता था अब इनका एक हफ्ते भी नहीं चलता अब खराब पेट्रोल दे रहे हो तो आपको क्या लगता है कितना सस्टेनेबल है मित्रों ये ठीक है कितना सस्टेनेबल है ये फटाफट बताओगे आप मुझे ठीक है अगली बात करते हैं मेरीन टाइम इंडिया समिट दो हजार इक्कीस मेरीन टाइम इंडिया समिट दो हजार की अगर मैं बात करूं भारत का लगभग लगभग सात हजार पांच सौ सोलह दशमलव पांच किलोमीटर एरिया जो है वो कोस्टल एरिया है तटीय इलाका है ठीक है भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है समुद्र के अंदर वो बहुत बड़ा है मतलब इतनी बड़ी ओशियन वेल्थ हमारे पास है हम उसका सही से प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें मराइन डाइवर्सिटी जो है उसको हम प्रोटेक्ट करें साथ ही साथ में जो इतने सारे मिनरल्स और एनर्जी के जो पोटेंशियल्स हैं मेराइन वेल्थ के अंदर उसको हम एक्सप्लोर कर पाए उसके लिए हमारा प्रयास है और इसी के लिए मोदी साहब जो है ये दूसरी वर्चुअल टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करने वाले हैं बहुत जल्दी बहुत जल्दी मोदी साहब जो है इसका उद्घाटन करने वाले हैं दिस इज द सेकंड इवेंट दिस इज द सेकंड सेकेंड, सेकेंड टाइम समिट 2021 इसको क्या करने वाले हैं उद्घाटन होने वाला है इसका

भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक रोड मैप जो है उसकी कल्पना जो है की जाएगी और वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ने के लिए जो है काम करने के लिए हम बेसिकली इसमें काम इसमें योगदान देंगे तो कह रहे था समिट विल विजुलाइज़ द रोड मैप फॉर इंडियन मरीन टाइम सेक्टर भारत का जो मरीन टाइम सेक्टर है वो आगे किस प्रकार से काम करेगा उसका एक रोडमैप हम तैयार करने का, का काम करेंगे यहां पे ठीक है अगले दशक में कैसे हम काम करेंगे और किस प्रकार से इस ग्लोबल मेरीन टाइम सेक्टर के अंदर अंदर इस दुनिया भर के के टाइम सेक्टर के अंदर में भारत को हम कैसे आगे रख पाएंगे उसके लिए एक पूरा रोडमैप जो है यहां पर वो तैयार किया जाएगा इसमें बहुत सारे स्पीकर होंगे ये कॉन्फ्रेंस होगी तो बहुत सारे लोग आएंगे हिस्सा लेंगे कुछ कुछ अपनी अपनी ज्ञान बांटेंगे यहां पे ज्ञान बांट के चले जाएंगे और वो ज्ञान में कुछ कुछ बातें ऐसी होगी जो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी ठीक है जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी है ना ये ज्ञान बांटेंगे दूसरा ऐसा ज्ञान बांटने वाला मंच हो रहा है मोदी साहब इसका इनोग्रेशन करेंगे किस प्रकार से टाइम सेक्टर के साथ में आप भारत के टाइम सेक्टर ग्लोबल टाइम सेक्टर में इंडिया के लिए किस प्रकार से आप जगह बनाओगे सो एमिनेंट स्पीकर फ्रॉम सेवरल कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द समिट बहुत अलग अलग देश से जो बहुत एमिनेंट एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे इसमें हिस्सा लेंगे एंड एक्सप्लोर द पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन मेरी टाइम डोमेन और देखेंगे भारत के जो सेक्टर भारत का इंडिया का जो मेरीन टाइम सेक्टर है उसके अंदर में क्या क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हैं उनके एक्सप्लोर करेंगे वगैरह वगैरह समझ में आ रही बात आपको ठीक है कुछ नहीं मतलब ये बैठ के बातचीत करेंगे इधर चाय समोसे पाड़ेंगे और बताएंगे कि भविष्य कैसा रहेगा ठीक है पूजा काटने वाले लोग होंगे ऐसे आदमी हिसाब से नहीं यार दोस्तों ये बैठ के क्या करेंगे बातचीत करेंगे

और पूरा का पूरा वर्चुअल मोड में डेनमार्क जो हमारा वो पार्टनर कंट्री है इस सारी सम्मेलन के अंदर दोस्तों उद्देश्य कुछ नहीं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द समिट इज टू प्रोपेल इंडिया टू द फोर फ्रंट ऑफ द ग्लोबल मरीन टाइम सेक्टर हम ये चाहते हैं इसके शिखर इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है दोस्तों भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में सबसे आगे लाना हम ये चाहते हैं कि जो ग्लोबल मेरीन टाइम सेक्टर है उसमें भारत जो फोर फ्रंट पे आए भारत फ्रंट में आके बैटिंग करे ठीक है ओपनिंग बैट्समैन भारत बने तो ग्लोबल मेरीन टाइम सेक्टर में भारत को आगे लाने के लिए दोस्तों हम ये शिखर सम्मेलन कर रहे हैं बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के अंदर बहुत सारे अलग अलग लोग दुनिया भर के एक्सपर्ट आएंगे हिस्सा लेंगे बातचीत करेंगे और भारत के लिए अगले दशक के लिए भारत का रोडमैप क्या हो जैसे भारत इस दुनिया के ग्लोबल मेरीन टाइम सेक्टर के अंदर में आगे आ सके उसके लिए बातचीत होगी सर सिग्निफिकेंस क्या है इसका महत्व क्या है दोस्तों देखो मेरीन टाइम इंडिया समिट दो विल प्रोवाइड अ यूनिक प्लेटफॉर्म एक यूनिक प्लेटफॉर्म एक मंच प्रदान करेगी ठीक है दैट विल हैव अ वर्चुअल एंड फिजिकल प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म है एक ऐसा है जहां पर दुनिया भर के जो शिपिंग एक्सपर्ट्स हैं ठीक है वो आके बैठ के बात करेंगे मराइन एक्सपर्ट यहां के बात करेंगे द मराइन सेक्टर ऑफ इंडिया विल बी ए पार्टिसिपेटिंग इन द समिट थ्रू आउट द डेडिकेटेड सेशन द समिट विल इंक्लूड एन एक्सक्लूसिव सी ओ फोरम्स एंड द वेरियस ब्रेकआउट थीमेटिक सेशंस मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के प्राणी जीव इसमें भाग लेंगे है ना अच्छा इस प्रकार के बजट में भी अगर मैं बात करूं तो मिनिस्ट्री ने हाईलाइट किया है कि इस प्रकार के बजट में भी मरीन टाइम सेक्टर के लिए बहुत कुछ किया गया है ठीक है क्या किया गया है मरीन टाइम सेक्टर के लिए भाई जो ऑपोजिशन पार्टी खड़े होकर चिल्ला रही है कि सब कुछ बेच दिया देश को बेच बेचा जा रहा है ठीक है बेल को बेचा जा रहा है सेल को बेचा जा रहा है तेल को बेचा जा रहा है खेल को बेचा जा रहा है ठीक है देखा आपने भाषण मैंने वो देखा था ठीक है कह रहे सब कुछ तो बेच रहे हैं तो पोर्ट के अंदर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रहे हैं ताकि इनको बेटर तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके हमारी सरकार कह रही है कि सरकार का, का काम नहीं है बिजनेस करना सरकार का काम है युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करना इसीलिए हम इनको प्राइवेट सेक्टर को क्या कर रहे हैं इनको हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या प्राइवेटाइज कर रहे हैं इनको ठीक है तो धीरे धीरे इनका प्राइवेटाइजेशन जो है बेसिकली दोस्तों वो आपका हो रहा है तो पोर्ट सेक्टर में भी यही आपने देखा होगा मेजर पोर्ट्स जो हमारे जो बड़े बड़े बंदर का है उसके अंदर में प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट जो है वो कराया जाएगा कहा जाएगा जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर ही आपका करेगा द मिनिस्ट्री ऑल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन द बजट दो हजार इक्कीस बाईस अनाउंसमेंट दैट आर रिलेटेड टू द शिपिंग पोर्ट्स एंड मरीन टाइम सेक्टर्स एंड टर्म दाथ ब्रेकिंग इनिशियटिव फॉर द प्रमोट आत्मनिर्भर भारत तो मंत्रालय ने जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है हमारी उसने कहा बजट दो हजार इक्कीस बाईस आया ना आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से बहुत तगड़ा बजट है. है ये आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करता है बहुत जबरदस्त बजट है बहुत जबरदस्त चीज है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है मेजर पोर्ट्स विल बी मूविंग ये देखो ध्यान दो यहां पर ध्यान दो ठीक है सभी बच्चे इधर अरे इधर ध्यान दो कमला हेरिश इधर ध्यान दो फटाफट से इधर ध्यान दो मेजर पोर्ट मूविंग फ्रॉम मैनेजिंग देयर ऑपरेशनल ओन टू मॉडल वेर अ प्राइवेट पार्टनर मतलब मैनेजमेंट का काम जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर देखेगा प्राइवेट पार्टी देखेंगी सरकार बस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में योगदान देगी सरकार कह रही हम बिजनेस नहीं करेंगे जो मैनेजमेंट का पूरा काम है वो किसको दे दिया है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है द पर्पज द बजट प्रपोज टू ऑफर मोर देन दो हजार करोड़ बाई मेजर पोर्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड इन फाइनेंशियल ईयर दो हजार बाईस इक्कीस बाइस और इसी काम के लिए ठीक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने इस बार दो हजार करोड़ रुपए जो है सरकार ने रिजर्व किए इस बार के बजट के अंदर दो हजार इक्कीस बाईस के अंदर ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जा सके ठीक है अब मां कसम है आपको आपको रिलेटेड सर्च के अंदर में मरीन टाइम विजन 2030 के बारे में पढ़ना है यू हैव टू लुक फॉर दिस आपको पढ़ना ही पढ़ना है मरीन टाइम विजन 2030 साथ ही साथ में आपको सागरमाला ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है पढ़ोगे भाई कमला हैरिस कसम है आपको रीना तू लेट आई प्रसाद मिल गया कब का अच्छा अभी नहीं मिला है कमला <laughs> अभी नहीं मिला है ठीक है प्रसाद नहीं दिया यार मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ आपको मैं तो ये कह रहा हूँ पढ़ाई करो वैसे और कुछ थोड़ी ना बात है या तुम बात करो तो मेरे को भी बताया करो ना साझा बैठ के हंसते हैं आप भी हंसो मैं भी हंसूँ मुझे हंसे बहुत दिन हो गए यार बीमार जब से मैं हुआ मुझे हंसी नहीं आती है अरबाज़ सैयद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास आपने बहुत अच्छे से कवर की है सर प्रीवियस ईयर में एकदम ठीक है ठीक इस बार भी करेंगे चिंता मत करो इस बार भी करेंगे ठीक है इस बार भी करेंगे टेंशन ना लो मेरी टाइम विजन दो और सागरमाला ठीक है देखो पीछे की चीजें मत पढ़ा करो हर बार कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है मेरी अभी भी मैं देखता हूँ पीछे वाली ज्योग्राफी पढ़ने रहते हैं बच्चे ठीक है पीछे वाली ज्योग्राफी में लगे हुए हैं नहीं नहीं हर बार मैं कुछ ना कुछ ऐड करता हूँ यार ठीक है यूपीएससी का सिलेबस भी डायनामिक है चेंज होता रहता है ना तो यूपीएससी की अप्रोच भी चेंज होती है तो इसी प्रकार से सारी चीजें चेंज होती है नया कोर्स किया करो पुरानी चीजों पर ध्यान मत दिया करो नई चीजों को इंप्लीमेंट करो नई चीजों पर ध्यान दो चलो इसके बाद हम बात करते हैं प्रिलिम्स स्पेसिफिक पे आ जाते हैं तो इंडिया मेरी टाइम इंडिया समिट दो एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द समिट क्या इट सिग्निफिकेंस इसके महत्व क्या है एंड अबाउट मैरिन टाइम सेक्टर इन बजट दो हजार ठीक है तो ये सारी चीजें हैं जो प्रम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है मैं आपके लिए मेंस का सवाल लेके आया हूं सर मेंस नहीं तो कुछ नहीं हम तो मेंस के लिए जीतते हैं मेंस के लिए मरते हैं मैंने मेंस की भूख खत्म कर दी तुम्हारी जब स्टार्टिंग के अंदर मैं करंट अफेयर करता था ना तो बच्चे कहते हो सर मेंस का कराओ मेंस के आंसर राइटिंग दो हमें मेंस अब किसी का सवाल नहीं आता अब कोई ये नहीं कहता क्यों क्योंकि एक दिन के अंदर पांच पांच क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं लिखते नहीं हो तुम ठीक है लिखते नहीं हो उसको साइड में रिजर्व करके रखते हो लिखोगे कब अगले जन्म में लिखेंगे है ना लेकिन आ, आपकी भूख शांत हो गई आ, आ रहा है।, आ, सर तो देते हैं फिर। ठीक है देते हैं वो ठीक है चलता रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है राइट अ शॉर्ट नोट द टाइम इंडिया समिट है क्या इसके हैं क्या काम है वगैरह वगैरह इसके ऊपर इस लिख दो नोट साफ वन परसेंट थ्रेशोल्ड फॉर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएम क्रॉप सुना है तो जीएम क्रॉप इसमें है ठीक है इसमें जीएम क्रॉप के बारे में ही आपका टॉपिक है जीएम क्रॉप क्या होता है दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड ठीक है देखो नॉर्मली कोई भी क्रॉप है ठीक है उसके अंदर में क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है आपको पता है ना ये जो मधुमक्खियां होती हैं ठीक है जो भवरे होते हैं ये पोलिनेशन के अंदर में मदद करते हैं ठीक है पोलिनेशन के द्वारा ही ये इनकी क्रॉस ब्रीडिंग होती है और क्रॉस ब्रीडिंग के बाद ही इनका ऑप्सविंग बनता है तभी इसमें फल बनते हैं जो फल फ्रूट आते हैं ना जितने भी तो उनके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये जो हमारे वेक्टर्स होते हैं जो वाहक होते हैं ना वही उसको ब्रीड कराते हैं तो नॉर्मल तरीके से तो ब्रीडिंग ऐसे होती है कि सेम जीनस से होती है सेम जीनस का मतलब है कि मैंने सरसों का पेड़ बोया है तो उसके अंदर में जो क्रॉस ब्रीडिंग है ठीक है वो सरसों के पेड़ से ही होती है ठीक है एक मेल फीमेल तो उन्हीं से क्या होता है दोस्तों आपका ऑफ पैदा होता है लेकिन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के अंदर में क्या होता है हम जान पूछ कर डेलीब्रेटलिन के, के जीन्स को क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं ठीक है जैसे बीटी कॉटन हो गया तो बीटी कॉटन के अंदर क्या होता है कॉटन के साथ साथ हमारी मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है बी ब्रेसिलस कुछ ऐसा नाम होता है भी बताऊंगा तो उसको हमने उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है इससे क्या होता है एक प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन जो पेस्ट लगता है जो आपका कीड़ा लगता है आपका बेसिकली किसके अंदर आपका कॉटन के अंदर उससे क्या करता है रेजिस्टेंट उसके लिए पॉइजन का, का काम करता है उसके लिए जहर का काम करता है तो इस प्रकार से हमारी जो फसल है वो पेस्ट के अटैक से क्या होती है दोस्तों बची रहती है है ना ये बात पता होगा ना आपको

जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया है देखो जीएम क्रॉप्स का फायदा क्या है पहली बात तो इनसे प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है आउटपुट बहुत बढ़ बढ़ जाती है ठीक है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा भारत जैसे गरीब देश के लिए ठीक है गरीबी कहूंगा मैं इतने सारे लोग जो है भूखे सोते हैं तो अगर हम जीएम क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो जो फूड सिक्योरिटी वाली चिंता है वो खत्म हो जाएगी खाना अपने पास बहुत हो जाएगा और ये जो बचा हुआ खाना है फिर बाद में हम इसको बायोफ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर में फोर्थ जनरेशन का बायोफ्यूल इसको कहा थर्ड जनरेशन का, का बायोफ्यूल इसको कहा जाएगा ठीक है वो अलग बात है आपको अभी बाद में ध्यान देना उस पर तो मैं क्या कह रहा हूं जीएम क्रॉप्स को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है इससे फूड सिक्योरिटी आ जाएगी इंडिया में कोई भूखा नहीं सोएगा किसानों की इनकम जो है वो बढ़ जाएगी देश से हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं वगैरह वगैरह ये सारी नॉर्मल बातें आम है, बातें हैं लेकिन इसे दिक्कत भी है दिक्कत क्या है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स खाने से अगर आपने ऐसा कोई अनाज खाया मान के चलते हैं आपने वीट खाया जो जेनेटिकली मॉडिफाइड था तो हो सकता है आपके पूछ आ जाए ठीक है हो सकता है आपके कान बहुत लंबे हो जाए हो सकता है नाक आपकी धरती में लटक जाए नीचे तक चली जाए तो ऐसे संभावना है ठीक है ऐसे संभावना इसीलिए हमारे यहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है उनको अलाउ नहीं किया गया है ठीक है उन उनपे स्ट्रिक्ट कंट्री कंट्रोल है उनको क्या किया जाता है रेगुलेट किया जाता है और भारत के अंदर में जीएम क्रॉप्स को अलाउ नहीं किया गया है ठीक है So, अभी अगर मैं बात करूं जो हमारी एफ एस एस आई है फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारी है, इसने अभी अभी कहा है कि वन परसेंट का हम अलाउ करते हैं एक प्रतिशत का हम अलाउ करते हैं एक्चुअली होता क्या है थोड़े दिन पहले एफ एस एस आई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा था कि जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं आयात करते हैं चौबीस ऐसी अलग अलग चीजें जो हम बाहर से आयात करते हैं तो उसके ऊपर कहा था कि ये जो 24 अलग अलग चीजें हम आयात करते हैं ना इनमें हमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट नहीं चाहिए अगर कोई जेनेटिक मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड प्रोडक्ट है अगर कोई जीएम क्रॉप है तो वो भारत देश के अंदर में आयात नहीं किया जाएगा तो इसीलिए जब भी हम प्रोडक्ट आयात करेंगे भारत में तो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी से हमें सर्टिफिकेट चाहिए कि भैया इसमें जीएम क्रॉप्स नहीं है कोई भी तो थोड़े दिन पहले ऐसा जो है नोटिफिकेशन दिया था और अभी एक दूसरे नोटिफिकेशन के द्वारा ने कहा कि ठीक है थ्रेस होल्ड को हम क्या करते हैं दोस्तों अलाउ करते हैं जीएस पेपर टू से रिलेटेड है गवर्नमेंट पॉलिसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन अ रिसेंट ऑर्डर सेट हैल्ड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ इन द फूड इंपोर्टेड इन द इंडिया जो भारत के अंदर में आयात की हुई वस्तुएं होंगी जो खाद्य पदार्थ होंगे उनके अंदर में एक प्रतिशत तक अगर जीएम क्रॉप्स होगी तो वो अलाउड होगी ऐसा एफ एस एस ए आई ने बोला है नोटिफिकेशन दिया था कि जो 24 फूड क्रॉप्स भारत के अंदर में आयात की जाती है हमें वो बिल्कुल जीएम फ्री सर्टिफिकेट चाहिए उनपे हमें यह चाहिए कि उनमें कोई भी जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं है कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उनके अंदर नहीं है और एक कंपिटेंट अथॉरिटी से हमें इस बात का सर्टिफिकेट भी चाहिए कि भैया जो फसल हम आपको दे रहे हैं इट इज टोटली फ्री फ्रॉम द ऑल जीएम क्रॉप्स इसके अंदर में कोई भी जीएम क्रॉप्स नहीं है तो हमने अगस्त में नोटिफिकेशन दिया था कि हमें बिल्कुल जीरो चाहिए भैया जीरो मतलब जीरो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे अपने आयात के अंदर बकायदा हमें एक सर्टिफिकेट भी चाहिए एक कंप्यूटेंट अथॉरिटीज बात को सर्टिफाई करेगी जो चीज हम आपको निर्यात कर रहे हैं जो हम दे रहे हैं दैट इज टोटली फ्री फ्रॉम द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बट अभी बोल दिया कि वन परसेंट अलाउड है वन परसेंट छोड़ देते हैं हम अब आप पूछोगे सर जीएमओ क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है तो मैंने आपको बताया

और मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है वो एक जीव है तो सोचो जीव का बैक्टीरिया पेड़ में डाल दिया भाई पेड़ का पेड़ में बैक्टीरिया डाल लो तुम चलता है पेड़ का पेड़ में जीन डाल लो चलता है है ना भाई आपने सरसों के पेड़ में मान के चलते हैं नीम के पेड़ का कोई जीन्स डाल दिया ठीक है भाई ताकि उसके अंदर में पेस्ट ना लगे ये बात समझ में आती है आपने सरसों के अंदर में क्या किया है सोयल के बैक्टीरिया का जीन डाल दिया ठीक है तो क्या हो सकता है इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं अभी हमें इसके रिजल्ट्स नहीं पता ना मैंने बताया ना आपको चूहा हाथी बन सकता है और हाथी क्या बन सकता है इसको खा के चूहा ऐसी पॉसिबिलिटीज है आप उड़ने लग जाओ ठीक है आप मुंह में से आग फेंकने लग जाओ ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है अरे मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसिस नहीं पता ना हमें इसलिए हम नहीं करते तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज का जेनेटिक मॉडिफाई कर देते हैं उसके जीन्स को क्या कर देते हैं मॉडिफाई कर देते हैं उसके जीन्स में हम बदलाव ला देते हैं इसी को बोला जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या बोला जाता है दोस्तों इसको दैट इज नोन एज द जेनेटिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन अब में जरूरी नहीं है पेड़ का जींस बदलना है तो पेड़ का ही जीन नहीं भाई यहां पर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी बैक्टीरिया का ठीक है किसी का भी आप जींस उसके अंदर में डाल रहे हो ठीक है समझ में आ रही बात आपको दिस क्रिएट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट एनिमल देख रहे हो प्लांट भी हो सकता है एनिमल भी हो सकता है कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है सोचो कोई वायरस का जीन भी हो सकता है कल को पता चला कोरोना का वायरस कोरोना का जीन डाल रखा है आपने ठीक है आप सरसों का सेवन कर रहे हो सरसों के तेल का और उसमें कोरोना वायरस का क्या है दोस्तों जीन डाला हुआ है दैट डो नॉट अकर इन द नेचर थ्रू द ट्रेडिशनल क्रॉस ब्रीडिंग मैथड्स ये ऐसा तरीका होता है कि जीन्स डाल दिया जाता है और ये जीन नेचुरली नहीं पाए जाते नेचुरल क्रॉस ब्रीडिंग होती है उसमें नहीं मिलते ये आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इनके अंदर इंट्रोड्यूस किए होते हैं हारबिसाइड टॉडरेंट जैसे जो बीटी हमारे पास कॉटन होता है बी टी एच टी कॉटन जो होता है हमारे पास ठीक है पीछे करते हैं एक पार्ट छूट गया लग रहा है मुझे हाँ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात मैं करता हूं कह रहा है कन्वेंशनल प्लांट्स ब्रीडिंग इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस टू प्रोवाइड स्प्रिंग देखो पारंपरिक पौधे में प्रजनन कैसे होता है आपको पता ही है? ठीक है मैंने अभी आप बताया आपको अरे मधुमक्खियां जो होती हैं वो क्या होता है नर और मादा ठीक है तो ये उनकी क्या करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं ठीक है ठेके? वो पोलिनेट करते हैं उसको पोलिनेटर्स इसीलिए उनको पोलिनेटर्स कहा जाता है नॉर्मल टाइम पे क्या होता है नॉर्मल तरीके से क्या होता है एक पौधा जो है उसी की सेम जीनस के पौधे के साथ में उसकी ब्रीडिंग होती है बट यहाँ पर जीएम क्रॉप्स में क्या है पौधा छोड़ो आपने बैक्टीरिया की जीन घुसा दी उसमें आपने उसके अंदर में वायरस की जीन घुसा दी आपने जीव के जीन घुसा दी उसमें ठीक है यहाँ पर अलग चीज़ हो रही है जैसे बीटी कॉटन की हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है हमारे पास बीटी कॉटन तो बीटी हम क्यों कहते हैं बीटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें सॉयल का एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम हो सकता होता है बेसिलस थ्रजिस बेसिलस थे देखो बेसिलस थेनिस यहां से बी ले लिया यहां से टी ले लिया तो इसमें बेसिलस थ्रिंजेसिस होता है इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है बीटी कॉटन क्या नाम दे दिया जाता है बी कॉटन और ये बेसिलस थ्रिंगजेस क्या होता है एक प्रोटीन डेवलप करता है क्रॉप के अंदर और ये प्रोटीन जो होता है ना वो टॉक्सिक होता है जो कीड़ा लगता है ना आपका कॉटन के अंदर उसके लिए वो जहरील जहर का काम करता है इसलिए इसमें फिर कीड़े नहीं लगते और कीड़े नहीं लगते तो ये अच्छे से पैदा होती है इसका ठीक है प्रोडक्शन अच्छा होता है इसका हार्बिसाइड टॉलरेंट अब ये तो था क्या बीटी ठीक है कॉटन एक और होती है जिसको हम बोलते हैं बी एच टी कॉटन उसमें एक जीन और एक्स्ट्रा होता है तो उससे क्या होता है कि वो हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है जो हर्बिसाइड्स होता है उसके अंदर

अगर वो कीड़ों के लिए जहर है तो हमारे लिए भी वो थोड़ी मात्रा में लेकिन जहर तो है कि नहीं है जहर जहर ही होता है जब एक जीव मर सकता है तो आप क्यों नहीं लंबे समय तक आप भी कंज्यूम करोगे तो आपके अंदर में भी जहर की मात्रा जो एक्यूमलेट होती रहेगी ऐसी दोस्तों मस्टर्ड है सरसों के अंदर में भी कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आपका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं इनके अंदर में क्या होता है कि किसी भी दूसरे जीनस का जो जीन है वो इनके अंदर इंट्रोड्यूस होता है लीगल पोजीशन क्या है जीएम देखो भारत में अगर आपको जीएम तो सिर्फ 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 और सिर्फ और आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन अगर आपको करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए हमने एक स्पेशल से कमेटी बना रखी है जिसका नाम क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी याद रखना भारत के अंदर में यह कमेटी है जो इस चीज को रेगुलेट करती है कौन सी कमेटी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज द अपेक्स बॉडी दैट अलाउस फॉर द कमर्शियल रिलीज ऑफ द जीएम क्रॉप्स यही वो बॉडी है जो कमर्शियली आपको अलाउ करती है कमर्शियली uh, रिलीज करती है किसको दोस्तों जीएम क्रॉप्स को ठीक है इसी के द्वारा जीएम क्रॉप्स के ऊपर जो कमर्शियल uh, आपका मतलब जो परमिशन है वो यही अथॉरिटी जो रिलीज करती है और अगर आपने बिना अप्रूव किया हुआ जीएम वेरियंट इस्तेमाल किया तो दोस्तों आपको पांच साल की सजा और एक लाख तक का जुर्माना आपको हो सकता है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स ठीक चलिए रिलेटेड सर्च में आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स और एफ एस एस ए आई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक स्टेटूटरी बॉडी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन स्टेटरी बॉडी है एग्जीक्यूटिव बॉडी है क्या है वो सब आपको पता होना चाहिए है ना आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके साथ आपसे पूछा जा सकता है जीएमओ क्या होते हैं आपसे पूछा जा सकता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती क्या है आपसे पूछा जा सकता है इसका महत्व तो क्या है आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसे कंट्री में जीएमओ बहुत तगड़ा रोल प्ले कर सकती है जीएम के ऊपर लीगल पोजीशन क्या इंडिया के अंदर और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भारत के अंदर में कौन कौन सी जीएम क्रॉप्स जो है, वो हैं ठीक है अब बात करते हैं मेन स्पेसिफिक पे आ जाओ व्हाट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ये जीएम क्रॉप्स होती क्या है और भारत इसके संबंध में कहां पर स्थान स्था है, कहां पर स्थित है भारत की क्या पोजिशन इसके संबंध में ये सारी बातें आपको करनी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों वर्ल्ड फॉर फिशेस अब दुनिया की भूली हुई मछली अब ऐसा नहीं है कि ये मछली को हम भूल गए ऐसा नहीं है दोस्तों अब एक रिपोर्ट रिलीज हुई है और उस रिपोर्ट के अंदर बताया दोस्तों कि दुनिया की जो फ्रेश वाटर फिश है जो ताजा पानी के अंदर जो मछलियां पाई जाती हैं वो लगभग लगभग एक्सटिंक्ट हो रही है बहुत सारी प्रजाति ऐसी है जो साफ पानी में पाई जाती है वो मछलियां एक्सटिंक्ट हो रही हैं और मछलियाँ एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है वो लुप्त हो रही हैं और इसके अलग अलग कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन डैम कंस्ट्रक्शन ठीक है अनसस्टेनेबल फिशिंग ओवर फिशिंग हम कैर कर रहे हैं बहुत ज्यादा मछलियाँ निकाल रहे हैं बहुत ज्यादा मछलियाँ हम खा रहे हैं तो इन सब चीजों से दोस्तों एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है और उस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है जो फ्रेश वॉटर फिश है जो ताजा पानी की मछलियाँ हैं दोस्तों वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है वो लुप्त होती जा रही है इसी बारे में यहाँ पे हमें चर्चा करनी है तो वर्ल्ड फॉर फिशेज दैट मीन्स दुनिया के अंदर जितनी भी ताजा पानी मछलियां पाई जाती हैं वो सारी की सारी लुप्त होती जा रही है

फ्रेश वाटर फिश का सिग्निफिकेंस तो क्या है सर महत्व क्या है तो बता दूं आपको दोस्तों दुनिया भर के अंदर 200 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इन मछलियों के ऊपर हैं डिपेंडेंट है क्योंकि मछली जो है दे आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर देम एशिया के अंदर साउथ अमेरिका के अंदर अफ्रीका के अंदर बहुत सारे गरीब लोग जो हैं उनके लिए प्रोटीन डाइट का सोर्स क्या है दोस्तों मछली वो इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं द इंडस्ट्री प्रोवाइड जॉब्स साथ ही साथ में बहुत सारे लोग हैं जो मछली पकड़ के अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो उनको जॉब भी प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्री प्रोवाइड जॉब एंड टू लाइवलीहुडी मिलियन पीपल्स मोर देन हाफ ऑफ देम आर द वुमेन्स ठीक है 60 मिलियन लोगों को जॉब प्रोवाइड की करती है ये सेक्टर आपका और आधे ज्यादा क्या उनमें महिलाएं जो ताजा पानी की मछलियों को पकड़ के क्या करते हैं अपना जीवन यापन करते हैं यहीं से अपनी रोजमर्रा वो चलाते हैं इन इन टोटल जॉब्स द द फ्रेश वाटर फिशरीज अकाउंट फॉर बिटवीन 2.5 टू 6 ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग खेती में लगे हुए हैं ना उनमें से ढाई से तीन प्रतिशत ढाई से तीन है कि ढाई से छ हाँ ढाई से छेंट लोग जो हैं वो आपके फिशिंग सेक्टर में ही एम्प्लॉयड हैं आप समझ पा रहे हो एग्रीकल्चर मतलब कृषि और उसके सहायक क्षेत्र जो म, आ, मछली पालन है ये भी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी का पार्ट है दुनिया भर के अंदर में जितने भी लोग एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में इन्वॉल्व है ना लगे हुए हैं उनमें से ये मान के चलो आप ढाई से लेकर लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में जुड़े हुए हैं दोस्तों आपका फ्रेश वाटर फिश इससे फिशिंग में इसी से ये आपका जुड़े हुए हैं इसी से आपका संबंधित है अच्छा अब ऐसा क्या हो रहा है कि फ्रेश वाटर की फिश की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे गायब हो रही है तो इसके कारण ये है दोस्तों पहला कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है ना जो इनका जहां मिछलियां पाई जाती ना उस हैबिटेट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इस दूसरा है पुअरली प्लान डैम जो डैम बांध बनाए जाते हैं वो बहुत पुअरली प्लान करके किए गए हैं पुअरली प्लान है वो ठीक है बहुत पुअरली प्लान है ये सारे के सारे डैम रिलीज वेस्ट वाटर एंड ड्रेनिंग वेटलैंड जो वेस्ट वाटर है वो जबरदस्ती का जो खराब पानी है वो हम इनके अंदर क्या कर रहे हैं रिलीज कर रहे हैं ओवर फिशिंग बहुत ज्यादा हो रही है मछली ओवर फिशिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीस बहुत सारी स्पीसीज ऐसी आ गई है इन्वेजिव स्पीसीज उनको हम कह सकते हैं ठीक इन है इनसे हमारी जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं वो क्या हो रही है कम हो रही है रिड्यूस हो रही है वाइल्ड लाइफ क्राइम बहुत सारे हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है सो दीज आर द मेन रीजन जिनकी वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं और फ्रेश वाटर फिश पॉपुलेशन जो वो गायब हो रही है एक्सटिंक्शन के बारे में बात करता हूँ कह रहे द पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी फ्रेश वाटर फिश माइग्रेटरी क्या होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है ऐसी माइग्रेटरी जो फिश है हमारी जो मछली है उनकी पॉपुलेशन लगभग छिहत्तर प्रतिशत क्या हो रही है दोस्तों डिक्रीज कर गई है सिंस 1970 1970 से इनकी जनसंख्या लगभग 70 प्रतिशत क्या हो गई है दोस्तों आपका डिक्रीज हो गई है और जो मेगा फिश है जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनकी जनसंख्या लगभग लगभग चौरानवे कम हो गई है नाइनटीन उन्नीस से लेकर आज तक अगर आप बात करोगे तो जो बड़ी मेगा फिश है उनकी जनसंख्या चौरानवे प्रतिशत तक घट गई है मच ऑफ दिस डिक्लाइन वॉज ड्रिवन बाय द पुअर स्टेट ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट ठीक है ज्यादातर ये क्यों हो रहा है क्योंकि जी ये मछलियां ताजा पानी में पाई जाती है और ताजा पानी का जो हैबिटेट है जो फ्रेश वाटर का हैबिटेट है जो निवास है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताजा पानी कहां मिलता है नदियों के अंदर झील के अंदर है ना और वहां पर हम क्या कर रहे हैं नदियों के अंदर क्या किया जाता है आजकल इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डाल दिया जाता है जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना जो कचरा है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है वो कहां डाल देती है इनमें डाल देती है तो जो ताजा पानी का जो इकोसिस्टम है जो हैबिटेट है वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है और वही कारण है कि इन मछलियों की संख्या जो है लगातार क्या हो रही है दोस्तों आपका घट रही है ये करंट अफेयर की क्लास नहीं है इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच दोस्तों जो मैं आपके पूरे जीएस पेपर को तैयार कराने की बात यहां पे करता हूं ठीक है जब हम बात करते हैं सिर्फ मछलियों की जनसंख्या तो यहां पर आप सोचो एनवायरमेंट का पूरा हैबिटेट वाला जो चैप्टर है ठीक है जो फ्रेश वाटर इको सिस्टम पूरा का पूरा आप यहां पर रिकॉल कर सकते हो ठीक है 80 परसेंट फ्रेश वाटर स्पीसीज वो ऑलरेडी बीन डिक्लेयर एक्सटिंक देखो दुनिया में जो 80 परसेंट ताजा पानी की जो स्पीसीज है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं एक्सटिंक डिक्लेयर हो चुकी हैं एज मेनी 16 फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 2020 हजार अलोन आप 2020 की अकेले की बात करोगे तो 16 ताजा पानी की मछलियां हैं जो इस साल में ही आपका एक्सटिंक्ट डिक्लेयर हुई है कि हो चुकी। ठीक आप देख लो कितना भयंकर सिस्टम है अब कह रहे कंजर्वेशन कैसे करें इनका हम संरक्षण कैसे करें तो देखो एक बात तो बता देता हूं तो गवर्नमेंट को बहुत सारे कदम उठाने चाहिए ठीक है जैसे जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जो हार्मफुल एफ्लेंट्स डिस्चार्ज करते हैं उनको बोलो भाई इनको ट्रीट करके डिस्चार्ज करो ठीक है स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट नॉर्म्स हमें फॉलो करनी पड़ेगी स्ट्रिक्ट वाटर बॉडीज का रेगुलेशन हमें करना पड़ेगा हमारी जो वाटर बॉडीज होती हैं ठीक है उनका रेगुलेशन और कह रहे कि गवर्नमेंट्स अकेले से काम नहीं चलेगा गवर्नमेंट को कानून बनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को उनको रेगुलेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को उनको लागू करना पड़ेगा बट सरकार के साथ साथ हमें भी आगे आना पड़ेगा और हमें भी इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम भी इसको क्या करें दोस्तों संरक्षित करें सो गवर्नमेंट मस्ट इनकॉर्पोरेट स्पेसिफिक न्यू टारगेट इन टू यूनाइटेड नेशन मैंडेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर फ्रेश वाटर फिशेज सरकारों को मीठे पानी की मछलियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों में विशिष्ट नए लक्ष्यों को शामिल करना चाहिए एंश्योरिंग हेल्थियर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम सरकार को स्वास्थ्य और मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र को सुनिश्चित करना चाहिए इट विल ओनली बी अचीव थ्रू द कलेक्टिव एक्शन इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट बिजनेस इन्वेस्टर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कम्युनिटीज ये तभी हो सकता है जब सरकार व्यवसाय निवेश को गैर लाभकारी और समुदायों को शामिल करे ठीक है सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से इसको प्राप्त किया जा सकता है ठीक है मतलब अकेला सिर्फ और सिर्फ सरकार से कुछ नहीं होगा दोस्तों हम एक ब्रॉडर अप्रोच जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं यह आपको पता होने चाहिए दोस्तों ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना ये टिप्स पे आपको याद होने चाहिए पहला गोल कौन सा है दूसरा गोल कौन सा है तीसरा गोल कौन सा है चौथा गोल कौन सा है और इसका मैं आपसे टेस्ट लूंगा ठीक है इससे मैं मैं इसका मैं क्या लूंगा आपसे टेस्ट लूंगा आपसे मैं टेस्ट लूंगा इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडिया की फिशरी इंडस्ट्रीज ठीक है कितनी है कैसी है सब चीजें आपको पता होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं मित्रों तो प्रिलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है इस रिपोर्ट के बारे में फ्रेश वाटर फिश का सिग्निफिकेंस क्या है महत्व तो क्या आपने देखा कितने सारे लोग इसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंडेंट है कितने सारे लोगों का लिए ये प्रोटीन का सोर्स है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर ऑन द ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश पॉपुलेशन क्या क्या मुख्य प्रेशर है भैया आपने देखा कि किस प्रकार से जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है वो मेन चीज है सबसे बड़ा कारण है दूसरा आपने क्या देखा दूसरा आपने देखा ओवर फिशिंग डैम कंस्ट्रक्शन तो ये एक बड़े मुद्दे हैं दोस्तों जिनकी वजह से क्या हो रहा है आपका फ्रेश वाटर फिशरीज के ऊपर एक प्रेशर आप पुट कर रहे हो खतरे क्या क्या है और कंजर्वेशन आप इनका संरक्षण कैसे कर सकते हो सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक विच कैन बी आस्ट टू यू इन द प्रोल्स एग्जामिनेशन अरे बाकी बच्चों को बताया करो कि अपनी करंट अफेयर की क्लास अब यहां पे होती है ठीक है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद पता नहीं है तो एक बार क्लास को लाइक करो शेयर किया करो ठीक है थोड़े दिन तक ये काम कर दो यार है ना क्लास को लाइक करो वीडियो को और शेयर कर दो ताकि जो बाकी बच्चे हैं ना जो भूले भटके हैं नादान परिंदे वो यहां आ सके और अपनी क्लास को देख सके ठीक है वहां बेचारे उनको शायद पता नहीं है या जो भी है तो उनके पास ये चैनल शायद सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती मेन स्पेसिफिक पे आ जाते हैं सी फूड इंडस्ट्रीज समाव रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेश वाटर फिश एक्सटेंशन जस्टिफाई द स्टेटमेंट देखो मैं कह रहा हूं कि जो ताजा पानी की मछलियाँ आपकी एक्सटिंक्ट हो रही हैं ना मतलब लुप्त हो रही हैं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी जो सी फूड इंडस्ट्री है उसका कहीं ना कहीं योगदान है आपको क्या लगता है अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो आपको मेरी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है ठीक है कि मेरी बात कितनी सही है या गलत है आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कर दोगे हाँ भाई कर दोगे या नहीं कर दोगे प्रफुल्ल परमार करोगे राजेंद्र कोमल एंजल यादव स्मृति श्रीवास्तव अजय कुमार सरकार आरबी कलमाड़ी सुमन यादव ठीक है समझ में आ रही बात मेरी लिख लोगे इस बात पे भाई मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो फिशरीज इंडस्ट्री गायब मतलब जो ताजा पानी की मछलियां गायब हो रही हैं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो हमारी सी फूड इंडस्ट्री है उसका भी एक योगदान है ठीक है तो आपको भी क्या ऐसा ही लगता है ऐसा लगता है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर और लगता है तो आप इस स्टेटमेंट को क्या करोगे जस्टिफाई करोगे ठीक है फॉसिल्स हंटर ये एक नई जॉब आ गई है ठोक सुनो मेरी बात हम सब जॉब मांग रहे हैं रोजगार मांग रहे हैं मैं आपको रोजगार दे रहा हूं देखो आप कुछ ऐसी पढ़ाई करो ठीक है आप कुछ ऐसी पढ़ाई करो कि आप फॉसिल हंटर बन जाओ फॉसिल हंटर मतलब हंटर मतलब शिकारी आपको ऐसा अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है कि आप इस बात का अंदाजा लगा सको कि इन फॉसिल्स को आप पहचान पाओ कि ये किसका फॉसिल्स था ठीक है पुराने टाइम पे यहां कौन से जीव रहते होंगे आपको ऐसा अंदाजा लगाना आना चाहिए अगर आपको फॉसिल्स की जानकारी हो गई कि ये फॉसिल्स किसका है जैसे आप बता दो ये किसका है तो आप अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो किसी यूनिवर्सिटी में जाके और अगर आपको माइक्रो फॉसिल्स के बारे में जानकारी हो गई तो ऑयल इंडस्ट्रीज आपको नौकरी दे, दे देंगी क्योंकि माइक्रो फॉसिल्स के बारे में अगर आपको ज्ञान है तो आप ये बता पाओगे क्योंकि फॉसिल्स से ही क्या बनता है फ्यूल बनता है क्रूड ऑयल बनता है ठीक है और भारत के अंदर में तेल की बहुत जरूरत है भाई सौ रुपये ऊपर जा रहा है तेल मोदी साहब कह रहे कांग्रेस ने तेल के खदान भारत में डेवलप नहीं की तो अभी मोदी साहब डेवलप करने वाले हैं तेल की खदानों को तो उसके अंदर में ओ के अंदर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनके अंदर में एक आपको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी अगर आप ये देख लेते हो तो ठीक है नहीं नहीं टाइम मशीन मत बनाओ वैसे ही फॉसिलंटर बन जाओ आप फॉसिल एंटर मतलब आप इनको देखते रहो ढूंढते रहो ठीक है अगर आप सिर्फ इनके बारे में बता पाओगे तो आपको प्रोफेसर बना दिया जाएगा ठीक है पेलेंटोलॉजी का और अगर आप माइक्रो फॉस इसके बारे में बता दोगे फॉसिल्स के बारे में ठीक है तो फिर भाई साहब आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में नौकरी पक्की है फॉसिल एंटर कॉन्टेक्स पढ़ लेते हैं इट पेज टू द फॉसिल एंटर इज द जी एस आई ठीक है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पता है क्या कह रहा है वो कह रहा है कि हम जो जीवाश्म हंटर हैं हमारे पास जीवाश्म शिकारी हैं मतलब जो जीवाश्म को पहचान लेंगे खोज देंगे हम उनको पे करेंगे हम उनको पैसा देंगे ट्रांसलेट इंटू हाई jobs, ठीक है आप जो ये ढूंढते हो ना जो जीवाश्म ढूंढते हो जीवो के ढूंढते हो ये एक बहुत हाँ बन सकता है एक तगड़ा जॉब का सेक्टर बन सकता है ऑयल और गैस जो है आप ऑयल और मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं, वो आपको नौकरी दे सकती है आप साइंटिस्ट बन सकते हो ऐसा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है, भाई स्टूडेंट रोजगार मांग रहे हैं मोदी साहब तो रोजगार दे नहीं देते उनकी ट्वीट का जवाब दे नहीं दे रहे दे नहीं रहे मैंने ही सोचा कि मैं ही कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी जो है बच्चों को बता दूं तो अगर आप फॉसिल अंटर बन सकते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर में अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है अगर आपने माइक्रो फॉसिल्स के अंदर काम कर दिया ठीक है तो उसके बाद में आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है ना ये ओ ठीक है ये वगैरह ये आपको अच्छी नौकरी दे देंगी तो ये भी एक अच्छी नौकरी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कह रहा है मेरी बात की पुष्टि कर रहा है पेलेंटोलॉजी क्या होता है पाषाण पाषाण विज्ञान पुरा विज्ञान ठीक है ये समझो क्या होता है ये एक ब्रांच होती है जियोलॉजी के अंदर जियोलॉजी जो होती है हमारी उसके अंदर एक ब्रांच होती है भूवी विज्ञान भू विज्ञान के अंदर में एक शाखा होती है इट इज अ ब्रांच विद इन जियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं कि ये भूविज्ञान के भीतर की एक शाखा है जो आपका प्रगैतिहासिक जीवों का अध्ययन है जो पृथ्वी के जीवा जीव, जीव मंडल में पनपते थे और बाद में दफनाने के बाद जीवाश्म में बदल गए और अगर आप इनकी खोज कर सकते हो आप इनको ढूंढ सकते हो आप इनकी पहचान कर सकते हो तो आपकी नौकरी पक्की मैनी ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म डायनासोर जैसे डायनासोर गायब हो गया ठीक है लेकिन बहुत सारे ऐसे और भी ऑर्गेनिज्म हैं जो उस समय से आज तक सर्वाइव कर रहे हैं एक्सटिंक्ट कुछ तो हो गए हैं और कुछ नहीं हुए हैं आपको उनकी पहचान करनी है अगर आप पहचान करोगे तो उस विज्ञान को बोलते हैं पेलियंटोलॉजी पूरा पाषाण और अगर आप पूरा पाषाण के ज्ञाता हो गए हैं ठीक है तो फिर आप मतलब आर पार हो जाओ एग्जाम नहीं होगा ठीक है सीधे उठा लेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो आपको सीधे ले जाएगी मैं तो समझो सिग्निफिकेंस क्या है पेलेंटोलॉजी इज क्रूशियल फॉर रिवीलिंग द जियोलॉजिकल हिस्ट्री एज वेल एज डिफाइनिंग द पैटर्न ऑफ लाइफ दैट सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ थ्रू द जियोलॉजिकल एजेस पेलेंटोलॉजी भूविज्ञान इतिहास को प्रकट करने के साथ साथ भूविज्ञान युगों के माध्यम से पृथ्वी पर जीवित जीवनों का विकासवादी पैटर्न को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण तो है ठीक है भाई कैसे पेलेंटोलॉजी इसलिए जरूरी है कि किस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन जो है कैसे इवॉल्व हुआ किस प्रकार से वो सिक्वेंस चला ठीक है उसके लिए जरूरी है देर आर एंट टू मैनी टेकर्स ऑफ द पेलेंटोलॉजी इन इंडिया अगर आप भारत में देखोगे तो पूरा पाषाण के बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं है मतलब ये स्कोप अभी भी ऐसा है जिसमें कॉम्पिटिशन नहीं है मैं बता रहा हूं आपको तो यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है फटाफट घुस जाओ स्कोप ऑफ पेलेंटोलॉजी मैंने बताया अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों इन आदमी हो मतलब अपॉर्चुनिटी तो है, तो है मैंने बताया पीएचडी अगर आपने कर ली इसके अंदर में तो आपको अच्छे टीचर की नौकरी मिल जाएगी और अगर आपने बहुत ही अच्छा काम कर लिया तो ऑयल कंपनियां जो है वो आपको ले जाएगी क्योंकि माइक्रोफोसिल असेंबलेज के बारे में अगर आप बताने लग गए तो इसका मतलब आप तेल की खोज कर सकते हो <coughs> तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो आपको इसमें जॉब दे देंगी ठीक है अभी स्ट्रेटोग्राफी क्या होती है स्ट्रेटोग्राफी का परिभाषा देखो स्ट्रेटोग्राफी ऑर्डर एंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ स्ट्रेटा एंड दैट रिलेशनशिप विद द जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप देख पा रहे हो देखो सब लोग जॉब मांग रहे हैं मैंने जॉब के नए अवसर आपको बता दिए अब प्रिलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है पेलेंटोलॉजी क्या होता है इसका महत्व तो क्या है पेलेंटोलॉजी का स्टेटोग्राफी क्या होती है ठीक है ये चीज आप याद रखना याद रखोगे भाई याद रखोगे याद रखोगे जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर ओके की रिपोर्ट करो कोई गड़बड़ है तो बताओ मुझे फटाफट से वीडियो को लाइक करो शेयर करो जल्दी से ठीक है चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो ये हो गया हमारा आगे बढ़ते हैं प्रलिम स्पेसिफिक के बाद में तो श्रीलंका की एयरफोर्स देखो श्रीलंका के वैसे ही पसीने छूटे हुए बेचारे के श्रीलंका को डर था कि पता नहीं भारत उसका साथ देगा कि नहीं देगा लेकिन भारत जो है देखो बड़े भाई होने का फर्ज नहीं पाता है ऐसी बात नहीं है इंडिया में हम सारी चीजों को मानते हैं सब चीजों को ध्यान में रखते हैं अभी इंडिया श्रीलंकन एयरफोर्स का कुछ सेलिब्रेशन वगैरह था तो भारत ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया श्रीलंका एयरफोर्स कह रहे हैं इंडिया ऑन फरवरी अट्ठाइज डिस्क्राइब्ड श्रीलंका एज प्रायोरिटी वन पार्टनर इन द डिफेंस पेयर एंड सेट पार्टनरशिप ऑफ इट्स मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन द सेवेंटीएथ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द श्रीलंका एयरफोर्स श्रीलंका की एयरफोर्स का सत्तरवा सेवेंटीथ सेलिब्रेशन था एयरफोर्स का तो उसमें भारत ने उसका क्या किया है दोस्तों सहयोग दिया है और उसमें भाग भी लिया है उसमें भारत ने बोला है कि श्रीलंका हमारा प्रायोरिटी वन कंट्री है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है श्रीलंका हमारा बहुत इंपॉर्टेंट देश है बहुत ही महत्वपूर्ण देश है हमारा पॉलिटी के उसमें संबंध में ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट देश है बहुत महत्वपूर्ण देश है ये देखो कौन है एक चिल्ला रहा है सेवंथ क्लास पोल्टी पॉलिटी राजन सोनी पहले सेवंथ क्लास की हिस्ट्री तो पढ़ लो सेवंथ क्लास की हिस्ट्री तो कर लो अब हिस्ट्री स्टार्ट किए पॉलिटी भी आ जाएगी उसके बाद श्रीलंकन एयरफोर्स जो है इट्स सेलिब्रेटिंग इट्स सेवेंटी एनिवर्सरी ऑन द मार्च टू इन द को मेमोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट एंड फ्लाई पास द एक्रोबैटिक डिस्प्ले इज बींग ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन अ ग्रैंड स्केल ठीक है ये अपने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करें सत्तरवीं एनिवर्सरी को मार्च दो मार्च को साथ साथ में इन्होंने कुछ एयर शो भी रखा है जिसमें हवाई जहाज इधर उधर गोते मार के दिखाएंगे तो भारत के से भी बहुत सारे हमने वो भेजे हैं जो इसमें भाग लेंगे श्रीलंकन एयरफोर्स पायलट एंड श्रीलंकन नेवी ऑब्जर्वर विल फ्लाई अलोंग विद द इंडियन क्रू भारत ने अपना जो है क्रू यहाँ भेजा है टोटल हमने तेईस एयरक्राफ्ट भेजे हैं इंडियन एयरफोर्स के इंडियन नेवी के ठीक है जो इसमें भाग लेंगे इंडियन एयरफोर्स का अगर हम बात करें इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इस इवेंट के अंदर कर रहा है इस एक्रोबैटिक इवेंट के अंदर में भी हम भाग ले रहे हैं भारत का जो हेलीकॉप्टर है सारंग लाइट हेलीकॉप्टर है सूर्य किरण है उसके बाद तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस ट्रेनर एंड द्रोनियर मेरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हमारे सारे के सारे इंडिजिनस जो एयरक्राफ्ट है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट का क्रू जो है वो श्रीलंका में गया है इसमें पार्टिसिपेट करने तो हमने आत्मनिर्भर भारत को भी प्रोत्साहित कर दिया दिखा दिया कि भारत की जो टेक्निकल एबिलिटी है वो कितनी है ठीक है सो ऑल इंडिया मेरी टाइम जो डिस्प्ले पे है सारे के सारे इंडिजिनियस है तो हम अपनी टेक्निकल पावर को भी दिखा रहे हैं टेक्निकल प्रोग्रेस को दिखा रहे हैं कि भारत आर के अंदर अब डिफेंस के अंदर की कम नहीं है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत आगे जा रहे हैं हम ठीक है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों इट्स अ स्टेट्यूटरी बॉडी इंपॉर्टेंट है ध्यान देना इस पर एक बार ध्यान देना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर इनोग्रेट द कंपिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस इन द चेन्नई अभी चेन्नई के अंदर इसका रीजनल ऑफिस खुला है ये बात याद रखनी लिखनी है आपको बट हाँ आपको ये याद रखना है कि कम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या पहली बात तो बता दो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है स्टेट्यूटरी का मतलब एक वैधानिक निकाय मैं बार बार बोलता हूँ जब भी लिखा हो स्टेट्यूटरी बॉडी स्टेट्यूट्री का मतलब यह वैधानिक है मतलब एक विधान यानी एक कानून के द्वारा इसका निर्माण हुआ है किसके द्वारा हुआ है इसके कानून का द्वारा इसका निर्माण हुआ है एक कानून के द्वारा ये बनाई गई है कोई एक्ट पास हुआ होगा उसके तहत इसका अस्तित्व जो है वो आया है संसद ने कानून पास किया है तो इट इज अ अटैच्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 ये लो हमें पता भी चल गया किस एक्ट के तहत बनी है दोस्तों ये कंपटीशन कमीशन कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर ही बनाई गई है ठीक है इस बॉडी को 2003 में स्थापित किया गया था इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एक चेयरपर्सन होता है और छह अदर मेंबर होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर है ठीक है प्रिसाइडिंग एजेंसी इससे पहले कौन सी एजेंसी थी तो इससे पहले आज कंपिटिशन कमीशन है इससे पहले क्या होता था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन होता था और उस समय एक्ट भी कौन सा होता था एमआरटीपी मोनोपोली एंड मोनोपोली होता होता था, MRTP Act होता था, लेकिन दो के अंदर में हम एक नया एक्ट दिया. तो अब आप पूछोगे सर इसका काम क्या है दोस्तों मार्केट के अंदर कंपटीशन को बनाए रखना ठीक है ये इसकी मैंडेट्स है काम है इसका क्या है टू इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002. कंपटीशन का एक्ट जो है 2002, दो उसको लागू करना ठीक है कि कोई भी ऐसा काम ना करे कि अपनी डोमिनेंट पोजिशन का इस्तेमाल करते मार्केट में बाकी प्लेयर्स को काम ना करने दे मार्केट के अंदर एक फ्री और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए नॉन कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी जो है वो नहीं होनी चाहिए उसको प्रमोट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों कॉम्पिटिशन कमीशन की होती है रेगुलेट मर्जर एंड एक्विजिशन भाई कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है उसको कैसे रेगुलेट करना है एक्विजिशन मर्जर को कैसे रेगुलेट करना है ये सब इसी के काम होते हैं ऑन द कंपटीशन विद इन इंडिया दस डील्स बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड्स आर रिक्वायर्ड टू गेट क्लियरेंस फ्रॉम द सीसीआई यदि कोई कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है मर्ज हो रही है कोई कंपनी तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट की है तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा की है तो फिर आपको सी सी आई कम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी है ना हम चाहते हैं कि मार्केट में प्रतिस्पर्धा रहे कोई बड़ी कंपनी ऐसा ना करे कि बड़ी कंपनी बड़ी है अपनी बड़ी पोजीशन का फ़ायदा उठा के वो छोटी कंपनियों को काम ही ना करने दे डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाए और छोटी कंपनियों को काम ना करने ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा ना हो इसी के लिए क्या किया जा रहा है दोस्तों इसी के लिए ही तो ये सारा काम किया जा रहा है इसी के लिए कम्पटिशन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापित किया गया है इसी के लिए कंपिटिशन कमीशन एक्ट जो है वो स्थापित बनाया गया है तो ये सारी बातें यहाँ पर है जो ध्यान रखनी है इसके बाद है ई दाखिल ई दाखिल क्या है दोस्तों ये हमारे जो कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसका एक इनिशिएटिव है दोस्तों अभी हम 2020 में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया अगर आपको पता हो याद हो तो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब हमने पास किया ना तो उसके अंदर हमने एक प्रावधान रखा कि आप अपनी जो कंप्लेंट है वो ऑनलाइन दाखिल कर सकते हो ऑनलाइन जारी कर सकते हो ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट कर सकते हो उसके लिए एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था ई दाखिल समझ में आ रही बात हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमने बोला कि अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो आप उसको ऑनलाइन भी क्या कर सकते हो रजिस्टर कर सकते हो इसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया ई दाखिल क्या नाम रखा गया ई दाखिल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी कंप्लेंट भी कर सकते हो साथ साथ में आप कंप्लेंट तो कर ही सकते हो साथ ही साथ में जो चलान वगैरह है या जो फीस वगैरह वो भी आप ऑनलाइन भर सकते हो तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है ना ई दाखिल उसको इनोग्रेट कर दिया गया उसको संचालित कर दिया गया दाखिल पोर्टल फॉर कंज्यूमर ग्रीवियां रिड्रेसल इज नाउ ऑपरेशनल इन पंद्रह स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी भारत के पंद्रह राज्यों के अंदर और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर दाखिल पोर्टल जो है अब वो लागू हो गई है दाखिल में क्या होगा मैंने बताया कंज्यूमर के ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए दाखिल पोर्टल अब पंद्रह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इज नाउ प्रोएक्टिवली फॉलोइंग अप विद द स्टेट्स टू लॉन्च द ई फाइलिंग पोर्टल एट देयर एंड जो हमारा उपभोक्ता मामलों का विभाग जो है वो लगातार राज्यों के साथ में मिलकर ई फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत कर रहा है लगातार राज्यों के साथ मिलकर वो काम कर रहा है ताकि जो ये दाखिल पोर्टल है ये हर राज्य में क्या की जा सके स्टार्ट की जा सके ई e फाइलिंग जो है ये लॉन्च की गई थी कब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन 7 सितंबर 2020 के में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के द्वारा 7 सितंबर 2020 को ई फाइलिंग शुरू की गई थी 8 सितंबर को पहली बार दिल्ली ने लॉन्च किया था इसको 8 सितंबर 2020 को इसको लागू करने वाला दिल्ली पहला राज्य बन गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ था में उपभोक्ता आयोग को ई फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है हमने जो कस्टमर प्रोटेक्शन कस्टमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था ना 2019 में जो जुलाई से लागू हो गया था जुलाई 2020 से लागू हो गया था उसमें प्रावधान था क्या प्रावधान था दोस्तों उसमें प्रावधान था कि आप जो कंज्यूमर है उसके लिए ई फाइलिंग करा सकते हो अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप ई e फाइलिंग उसकी कर सकते हो ये प्रावधान इसके अंदर रखा गया था अ वेब एप्लीकेशन फॉर ई फाइलिंग ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैज बीन डेवलप्ड बाय एनआईसी ठीक है एनआईसी ने इसके लिए एक वेब पोर्टल बना दी है जिसको हमने दाखिल नाम दिया है दिस डिजिटल सॉफ्टवेयर फॉर फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट हैज मेनी फीचर्स इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं जैसे ई नोटिस केस डॉक्यूमेंट डाउनलोड ठीक है वी सी ईयरिंग वगैरह वगैरह सब चीजें इसके अंदर आपका सारे के सारे जो ऑनलाइन फीचर्स हैं वो इसके अंदर में अवेलेबल है उसके बाद है चन्नापट्टनम टॉय मेकर्स चन्नापट्टनम टॉय मेकर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है ये टॉय टॉय मेकर्स हैं दोस्तों ठीक है इस प्रकार से लकड़ी का इस्तेमाल करके खिलौने बनाते हैं ठीक है ये टीपू सुल्तान साहब जो थे ना तो उन्होंने इनको अलाउ किया था उन्होंने इनको बुलाया था टर्किश आर्ट है ये कैसी आर्ट है दोस्तों टर्किश आर्ट है लकड़ी से खिलौने बनाना ये टर्किश आर्ट है तो हमारे जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने टर्किश से जो आर्टिशन्स थे उनको भारत में बुलाया था और कहा था कि भारत के अंदर में आर्टिशन को लोकल आर्टिशन को क्या करें ट्रेन करें इंडिया के आर्टिशन को सिखाओ ये कैसे खिलौने बनते हैं टीपू सुल्तान ने उन्होंने भारत में बुलाया था ताकि भारत के लोगों की इसमें ट्रेनिंग करा सकें भारत के लोगों को ट्रेनिंग दे सके खिलौने कैसे बनते हैं तब से ये आर्ट भारत के अंदर चलती आ रही है दोस्तों और इस आर्ट को मोदी साहब ने काफ़ी प्रोत्साहित किया तो इन लोगों ने आर्टिशन्स ने मोदी जी का धन्यवाद किया है द चन्नापट्टना चन्नापट्टना टॉय मेकर थैंक् प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर हिज सपोर्ट टू तो द इंडियन टॉय मेकर्स जो उन्होंने इंडियन टॉय मेकर को जो सपोर्ट दी है उसके ऊपर इन्होंने थैंक्स बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगा मुख्य जानकारी द ऑरिजन ऑफ दीज टॉयज इज डेटेड बैक्स टू द रीजन ऑफ द टीपू सुल्तान तो इनका जो उत्पत्ति है वो टीपू सुल्तान के टाइम से है टीपू सुल्तान के टाइम से है फ्रॉम परसिया उसने परसिया से सॉरी मैं टर्की बोल रहा था परसिया से उसने क्या किए थे दोस्तों आपका यहां पर इन्वाइट किया था और उसने कहा था कि हमारे लोकल आर्टिशन को भी सिखाओ यार किस कि प्रकार से आप लकड़ी का इस्तेमाल करके ये टॉय बनाते हो खिलौने बनाते हो तब से ये आर्ट भारत में चलती आ रही है दिस टॉय हैज बिन गिवन और फिर बाद में इनको प्रोडक्ट करने के लिए इनको महत्व तो देने के लिए हमने इनको जीआई टैग दे दिया हमने क्या दे दिया इनको जीआई टैग ठीक है हमने इनको जीआई टैग दे दिया चन्नापट्टनम इज अ सिटी एंड तालुक हेडक्वार्टर इन द रामनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक इंडिया चन्नापट्टनम कहां पर है दोस्तों आपका कर्नाटक के अंदर है चन्नापटना इज आल्सो कोल्ड एज द चन्नापटना ठीक है चन्नापटना को हम चन्नापटना भी कहते हैं लोकल लोग जो है चन्नपटना भी कहते हैं इसको सिटी इज फेमस फॉर इट्स वुडन टॉयज एंड वुडन टॉयज तो ये जो शहर है चन्नपटना ये अपने लकड़ी के खिनौनों के लिए क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है चन्नपटना इज ऑल्सो एस टाउन ऑफ टॉयज ठीक है इसको बोला जाता है गॉम्बे गौंब, गॉम्बेगाला नगरा तो चन्नपटना जो है इसको टाउन ऑफ टॉयज भी कहा जाता है गॉम्बेगा नगरा इसको कहा जाता है तो याद रखना चन्नापटना जो है ये टीपू सुल्तान जी के टाइम से प्रसिद्ध है उन्होंने पर्शिया से स्पेशल आर्टिशंस को बुलाया था भारत के अंदर और उनको कहा था कि यार भारत के जो टॉय मैनुफेक्चर हैं लोकल मैन्युफैक्चर हैं इनको बनाना सिखाओ कि लकड़ी से तुम खिलौने कैसे बनाते हो तो तब से ही ये आर्ट जो है वो भारत के अंदर में दोस्तों प्रचलित है तब से आर्ट भारत के अंदर में चल रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेशनल साइंस डे कल क्या था अट्ठाईस फरवरी अरे परेशान तो नहीं हो गए हो बोर तो नहीं हो गए हो ठीक है इतनी देर से पढ़ाए जा रहे हो सर आठ नो टॉपिक करा दिए करंट अफेयर में ऐसे कौन करवाता है इतना करंट अफेयर कौन पढ़ाता है मैं पढ़ाता हूँ भाई मैं इसलिए पढ़ाता हूँ इतना करंट अफेयर ताकि आप जो हैं आपको कुछ और ना पढ़ना पड़े मैक्सिमम चीजें कवर हो जाए ठीक है चलिए सो नेशनल साइंस डे कल था 28 फरवरी और 28 फरवरी जो है हम इंडिया के अंदर साइंस डे के रूप में मनाते हैं क्या मनाते हैं साइंस डे के रूप में तो कल नेशनल साइंस डे था ऑब्जर्व भी किया था हमने नेशनल साइंस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है भारत के अंदर क्योंकि इसी दिन हमारे जो रमन इफेक्ट थी ना उसकी खोज हुई थी अट्ठाईस फरवरी को जो रमन इफेक्ट है उसकी खोज हुई थी भारत में जो इस दिन फिजिक्स फिजिसिस्ट जो थे हमारे सी रमन साहब उन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी जो है अनाउंस की थी और 1930 में इनको इस डिस्कवरी के लिए नोबल अवार्ड जो है नोबल प्राइज जो है वो दिया गया था द डे इज एम्ड एट स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड इट्सेशन इन ह्यूमन लाइफ अब हम साइंस जी सेलिब्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं तो इस दिन जो है बेसिकली इस दिन का उद्देश्य क्या है कि मानव जीवन के अंदर विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोगों का संदेश फैलाना ये इस दिन का महत्व है द थीम फॉर नेशनल साइंस डे इस बार का थीम क्या था फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इंपैक्ट ऑन एजुकेशन एंड स्किल एंड वर्क विद अ व्यू टू प्रमोट साइंस एंड इनोवेशन द गवर्नमेंट प्रेजेंट्स द नेशनल साइंस कम्युनिकेशन अवार्ड ऑन दिस डे इट वॉज इंस्टीट्यूड इन नाइनटीन तो उन्नीस सौ सतासी से हम इस, एक इस दिन एक अवार्ड भी देते हैं ठीक है वो अवार्ड भी देते हैं हम इस दिन एक दिन तो वो अवार्ड जो है वो अवार्ड देना हमने कब से स्टार्ट किया दोस्तों 1987 से समझ पा रहे हो तो कल जो था हमारे पास वो क्या था नेशनल साइंस डे तो कल हमने नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया अट्ठाईस फरवरी को इसी दिन सीवी रमन जो है उन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी दोस्तों और बाद में इसी इफेक्ट के लिए डिस्कवरी के लिए इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबल प्राइज जो है वो दिया गया था ठीक है ये डे जो है इस दिन हम साइंस की इंपॉर्टेंस को स्प्रेड करते हैं और बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम क्या करते हैं दोस्तों बताते हैं लोगों को समझाते हैं ठीक है चलो दोस्तों आज के करंट अफेयर में इतना ही था बाकी आपको पता है आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे प्लस कोर्सेस में आप हिस्सा ले सकते हो उसके लिए आपको अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है गोल में जाके चूज करना है यूपीएससी सी सी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो जीएस आप मेरे साथ जुड़ सकते हो ऑप्शनल और कॉम्बो की कोर्सेज के अंदर ठीक है कॉम्बो जिसको भी करना है दोस्तों इसके लिए लिंक की जरूरत होती है और वो लिंक मैं आपको कहाँ दिया हुआ है मैंने टेलीग्राम के ऊपर टेलीग्राम के ऊपर मैं लिंक को पिन किया हुआ है तो आप वहां से जाके आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हो ठीक है साथ ही साथ में दोस्तों जीएस के लिए दोस्तों मैंने बताया ये अपना जीएस का स्ट्रक्चर है जीएस के कोर्स हैं ये अपने ऑप्शनल के कोर्स हैं ठीक है अगर आपको एक साल जीएस का करना है तो फोर्टी नाइन थाउजेंड दो साल बहत्तर हजार तीन साल कितना है दोस्तों नब्बे हजार और इनके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आप कोड यूज करेंगे आपको इतना प्राइस नहीं देना आपको सिर्फ चवालीस हजार रुपए देना है जब आप कोड क्या यूज करोगे सुमित टेन तो सुमित टेन कोड यूज करोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा इधर भी और इधर भी इनमें भी डिस्काउंट इनमें भी डिस्काउंट अलग अलग परचेज करना चाहते हो आप जीएस अलग ऑप्शनल अलग तो आप ऐसे कर सकते हो और जब आप सुमित कोड यूज़ करोगे तो दोस्तों गाइडेंस देखो यूपीएससी में ना गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपको गाइडेंस चाहिए और आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं तो आप दोस्तों मेरा 10 साथ -साथ में जब आप कॉम्बो करना चाहते हैं देखो ये रहा। आप जीएस और मेन्स एक साथ लेना चाहते हो तो जीएस अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो तो ये रहा और अगर आप नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ये रहा एक साल दो साल तीन साल एक साल के लिए फीस कितनी है सत्तर हजार मतलब जीएस और ऑप्शनल इकट्ठे आपको मिलेगा सत्तर हजार रुपए के अंदर एक साल के लिए और इस पर जब आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको इस पर भी क्या मिल जाएगा दोस्तों डिस्काउंट तो याद रहे चाहे आप आइकॉनिक लें चाहे प्लस ठीक है कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं फर्क क्या होता है आइकॉनिक और प्लस में प्लस के अंदर में आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं दिया जाता बट आइकॉनिक के अंदर में आपको एक पर्सनल कोच मिलता है जो डेली आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराता है आपकी स्टडी को प्लान करता है आपको फीडबैक देता है डेली की डेली जो तैयारी में आवश्यक है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कोड यूज कर सकते हैं और उसके लिए कोड क्या है दोस्तों आपका सुमिट टेन चाहे प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो चाहे आपको कोई भी कॉल करके कुछ भी कहे आप मेरे छात्र हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपको कोड हमेशा क्या यूज करना है दोस्तों सुमिट टेन सुमिट टेन आपका कोड रहेगा सुमिट टेन कोड आपको यूज करना है गेट टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट एंड अशॉर्ट गाइडेंस बाई मी मैं आपको खुद गाइड करूंगा इस पूरी प्रोसेस में मैं खुद आपको क्या करूंगा दोस्तों असिस्टेंस दूंगा मैं खुद आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप पूरी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो ना ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन होप यू लाइक द सेशन यू एंजॉय द सेशन सो रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को लाइक करना है दोस्तों वीडियो को शेयर करना है बाकी लोगों को बताना है कि आए अपने